मेरा एक सवाल है गणेश जी, ये जो बताया जा रहा है कि अपना नेचुरल एक्सेप्टेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग, ये बदला नहीं जा सकता, मेरा ये पूछना है कि फिर किसी सेक्ट में उनको कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, वो सभी सभ्यता को काट पीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मारा मारी जी करते हैं। अभी एक देश पूरा देश को मिटा रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन को मिटा रहा है, उनका राइट अंडरस्टैंडिंग वहां पे कहाँ टिका हुआ है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। देखिए, दो तरह के आधार पे हम लोग चलते हैं, उस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। एक तो मान्यता के आधार पर चलते हैं और एक अपने समझ के आधार पर चलते हैं। अभी क्या होता है कि ज्यादातर हम मान्यता को ही चलाने की कोशिश करते हैं, है ना? तो एक तरह की चीज को हम ठीक मानते हैं, उसके लिए हम बहुत सारा वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा प्रभाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, और उस प्रभाव के तहत दूसरा हमारी बात को मान ले, इसका प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रयास चलता है, इसमें एक तरह का आवेश होता है, और उससे जो लोग प्रभावित होते हैं वो भी आवेशित हो जाते हैं, और आवेशित होकर फिर कोई ना कोई एक कार्यक्रम चलाने लगता है। तो अगर हम ये करेंगे तो ये उससे आवेश निकलेगा ही, जो अभी आपने एक उदाहरण बताया रूस और यूक्रेन का। इसलिए कोशिश तो इस बात की करनी जरूरी है कि जो भी सही है उसका प्रस्ताव रख दिया जाए, हर व्यक्ति को अपने अधिकार पर जांचने में ना ध्यान दिलाया जाए, उसका सहयोग किया जाए, वो अपने में जांच कर अपने में जो देख पाता है सही के रूप में स्वीकार पाता है, उसके साथ जीने के लिए तत्पर होता है, उसमें उसको फैसिलिटेट किया जाए, अवसर दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। ये सारा प्रक्रिया अगर करेंगे तो, और इसी को शिक्षा संस्कार कह रहे हैं, तो इस शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया से अगर हम चलेंगे तो लोग अपने में अपने अधिकार पर चीजों को देखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे, जीने का काम करेंगे। उसकी जगह अगर हम एक वातावरण बनाते हैं और वातावरण के तहत प्रभाव बनाते हैं और उस प्रभाव से अगले के अंदर एक मान्यता पैदा कर देते हैं, है ना, तो वो उस प्रभाव में आ जाता है और वो आपके साथ जुड़ जाता है, उस आंदोलन कहें उसको या जो भी कार्यक्रम कहें, है ना, कोई मत, कोई पंथ, कोई है ना संप्रदाय, उसका वो भाग बन जाता है और फिर उसी मान्यता के तहत पूरे संसार को देखता है, अपने को भी उसी के तहत देखता है, संस्कार को भी उसी के तहत देखता है, और उस आवेश में फिर उनको आप जहां भी ले जाएं वो चले जाते हैं। ये होता है। तो भैया ये बताइए, फिर इसमें नेचुरल एक्सेप्टेंस या राइट अंडरस्टैंडिंग का क्या रोल रहा, तो इसका मतलब ये तो मतलब किया जा सकता है। उसको तो हम देते नहीं ना जगह। अभी राइट नेचुरल एक्सेप्टेंस को, सेल्फ एक्सप्लोरेशन को जगह नहीं देते, हम मान्यता को ही सेंटर में लाकर चलाना चाहते हैं, तो पॉलिटिशियंस इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। करते ही हैं। जितने भी प्रकार के समाज में लोग है ना वो करते हैं, अपना प्रभाव पैदा करते हैं ना, वो तो ये करते ही है ना, कि लोग अपने स्वभाव में स्थित हो जाएं, इसके लिए काम हो रहा है या जो उनको ठीक लग रहा है उसका प्रभाव सब पे चला जाए, सब उसके तहत खड़े हो जाएं, इसके लिए काम चल रहा है, क्या लगता है? सही है, सही है। हाँ, इसको तो बहुत खुले आंख से देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, हमको ऐसे ऐसा लगता है कि जहां पर भी जो है
10,000 लोग इकट्ठा हो गए वो तो अच्छी चीज होगी। अब उसी प्रभाव में हम चलते रहते हैं और कोशिश यही करते हैं कि हम भी 10,000 लोग इकट्ठा कर लें, 20,000 लोग इकट्ठा कर लें। तो ये जो लोगों का दबाव बनाते हैं, प्रभाव बनाते हैं, या किसी कार्यक्रम के सफलता सफल होने का दबाव बनाते हैं, प्रभाव बनाते हैं, उससे जब होगा तो ये व्यक्ति स्वभाव में होगा कि प्रभाव में होगा, ये देखने की बात है। ये जो बात है ना, सुख स्वभाव है या प्रभाव, ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि वो आदमी स्वभाव में सुखी है या प्रभाव में सुखी हो रहा है। वो प्रभाव में हो रहा है तो आवेश की स्थिति बनने की संभावना ज्यादा है। और फिर ऐसे प्रभाव वाले लोगों को आप किसी भी दिशा में ले जाइए, चले जाते हैं। अब वो बदलते भी रहते फटाफट वो अपने। बिल्कुल। तो भैया अपना रोल क्या है उस तरह के, जैसे भी कॉलेज में भी बच्चे कुछ वैसे अच्छे ऐसे होते हैं, उनके सामने अपन ये प्रस्ताव कैसे रखा जाए? वो तो किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, यही सही है। वही मैं कह रहा हूँ, तो उसमें तो यही कर सकते हैं कि हम तो सही का प्रस्ताव रख दें, है ना, और इसको रखते हुए हमारा व्यवहार सही हो, ठीक है, हम भी आवेश में ना हो इतना सुनिश्चित करना जरूरी है। एक दूसरा, हम सही का प्रस्ताव उसके सामने रखें सही व्यवहार के साथ, उसके जो प्रश्न होते हैं उसका जिम्मेदारी से जवाब दें, वो हमारी बात पर ध्यान दें या ना दें, अपने पर काम करें ना करें, हमारा भाव और हमारा विचार सही होना बना रहे, तो धीरे धीरे अवसर बनता है उसके लिए। क्योंकि कोई भी आदमी बिल्कुल बंद नहीं होता, आप सही की तरफ ध्यान दिला देंगे और आपका व्यवहार सही रहेगा तो उसका ध्यान जाता ही है, उसका ध्यान जाता ही है। बहुत बढ़िया भी, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक, लेकिन आपका धैर्य, आपका है ना प्रयास, वो तो बना रहना जरूरी है। बिल्कुल बना रहेगा आप लोगों के आशीर्वाद से। जी।